लॉकडाउन से कई लोगों की दुकानें, प्रतिष्ठान एवं रोजगार संबंधी काम बंद थे। अधिकांश लोग रोजगार से भी वंचित रहे, जिससे आर्थिक परिस्थिति में बाधा आई। इस पश्चात महंगाई ने भी आसमान छू लिया है, जिसके चलते बिजली बिल भी भरना मुश्किल हो गया है। महावितरण कंपनी ने बिजली कनेक्शन नहीं काटना चाहिए। दरमियान वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला महासचिव अजय सहारे के नेतृत्व में उप कार्यकारी अभियंता मंगेश कहाले के मार्फत ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को निवेदन दिया गया। गोर गरीब जनता, उद्योजक एवं किसानों की लॉकडाउन से आर्थिक परिस्थिति कम कुवैत हुई। ऐसी परिस्थिति में बिजली बिल वसूली मुहिम चल रही। बिजली बिल वसूली अधिकारी जनता को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी भी दी जा रही है। यह सख्ती महावितरण ने रोकनी चाहिए। ग्राहकों को उनकी सुविधा अनुसार करीबन 3 से 4 सप्ताह सहूलियत देनी चाहिए। महावितरण द्वारा ग्राहकों को सहूलियत प्रदान न करते हुए बिजली कनेक्शन काटा गया तो वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से आंदोलन करने का इशारा दिया गया। निवेदन देते हुए एडवोकेट संजय गणवीर, गंगाधर पाटिल, कमलेश सहारे, विजय ताइडे, सचिन खंडारी की प्रमुखता से उपस्थिति थी। BCN न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप कछबे की रिपोर्ट।